हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों के पास एक अच्छा सा वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपकी लाइफ के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों को वो न्यूज़ मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अभी। मैं ये मोबाइल में देख के आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में अगर सड़क दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में आपको आपको छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसमें आप लोग को 5,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। ऐसा सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल्स आप लोग को बता रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, अगर छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अनुदान योजना से घायल मददगार को दे रही है 5,000 रुपये का राशि, है ना? तो इसमें ये लिखा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने उद्देश्य एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जा रहा है। परिवहन तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में राज्य में यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू हो गई है। योजना का नाम है मोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले एक घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अथवा आपातकालीन देखभाल केंद्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को ऐसा पुरस्कृत 5,000 रुपये का अनुदान उनको दिया जाएगा। ये योजना सरकार की तरफ से हो चुकी है। 15 अक्टूबर 2021 को अगर कोई उनका सहयोग के साथ विधिक संरक्षण प्रदाय करता है, जो चोटिल बीमार आपदा में या असक्षम का सहयोग करता है, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस योजना के तहत नेक व्यक्ति के चयन के लिए जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, ASP, CMO और RTO परिवहन विभाग शामिल होते हैं। यदि नेक व्यक्ति द्वारा सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है तो डॉक्टर से विवरण की पुष्टि के बाद नेक व्यक्ति को आधिकारिक लेटर पैड पर नेक व्यक्ति के नाम, उसके मोबाइल नंबर और पता, स्थान दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय, और कैसे नेक व्यक्ति ने पीड़ित का जान बचाने में मदद की आदि का उल्लेख करते हुए पावती प्रदान की जाएगी। ऐसे आप लोगों को लेटर पैड में लिख कर देना पड़ेगा और आप लोगों को जो राशि है वो आप लोगों को इस नेक काम के लिए बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये हर जगह अभी लागू हो चुका है। तो दोस्तों, यही जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट्स में एक बार देख करके बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मैंने सही जानकारी दी आप लोगों को और ये आप लोग इस जानकारी के बारे में पता नहीं था या था, कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों। अगर नहीं था तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, अगर था तो भी कमेंट्स करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरा वीडियो वाचिंग कर रहे हो। थैंक यू।